हमने पिछले वीडियो में रिवर्ट ऑपरेशन के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम गेट वैसे कैसे कमांड के थ्रू वही सब ऑपरेशंस कर सकते हैं जो हमने टॉर्टोइस गेट से किए थे, वो देखेंगे। तो हम गेट वैस ओपन करेंगे। पहले यदि हमें जानना है कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, तो हम उसके लिए गेट ब्रांच एंटर करेंगे। इसने हमें बता दिया है कि हम डेवलप ब्रांच और मेन ब्रांच, हमारे पास दो ब्रांचेस अवेलेबल हैं। यदि हम डेवलप ब्रांच से मेन ब्रांच में स्विच करना चाहते हैं, तो हम गेट चेकआउट मेन लिख देंगे। तो अभी ये हमें मेन ब्रांच में स्विच कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन मेन ब्रांच हो चुकी है। अब इसने हमें ये भी बता दिया है कि हमारी जो मेन ब्रांच है वो दो कमिट पीछे है डेवलप ब्रांच से। तो उसके लिए इसने हमें एक कमांड सजेस्ट भी किया है कि हम गेट पुल भी कर सकते हैं। तो हम गेट पुल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसने गेट पुल से हमारी हेलो वर्ल्ड मॉडल फाइल अपडेट कर दी है। अब हम देखना चाहते हैं हमारी ब्रांच का स्टेटस, तो हम गेट स्टेटस भी कर सकते हैं। तो इसने हमें बता दिया है कि हमारी जो ब्रांच है वो बिल्कुल अप टू डेट है गिटहब पे, जो ब्रांच है उससे। तो अभी हमारे पास कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास गिट के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं।